बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम यूनिट 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है इट। इस लेसन में हम इट का एक नया इस्तेमाल सीखेंगे। ये बाहर का मौसम है। जब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहते हैं इट इज स्प्रिंग सीजन। बाहर में मौसम अच्छा होता है। इन स्प्रिंग इट इज कूल। ये बाहर का मौसम है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कोई नहीं है, सिर्फ हमारे पास दो वर्ड हैं, स्प्रिंग सीजन। तो हमने एक डमी सब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इट, तो जिसने हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो हमारा सेंटेंस रेडी हुआ इट इज अ स्प्रिंग सीजन। इंग्लिश सेंटेंसेस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, सो इफ वी डू नॉट हैव एनी अदर सब्जेक्ट वी कैन यूज इट और देयर। This is called dummy subject or empty subject. The word it can be subject in sentences about time, dates and the weather. It ko hum dummy subject taur par time ke saath, dates ke saath aur mausam ke saath, जैसे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ स्प्रिंग, इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इनका मतलब कोई नहीं होता, मगर ये हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इट इज़ जस्ट अ ग्रामेटिकल फंक्शन। पार्ट वन में हम इसको वेदर के साथ यूज़ करेंगे। द वेदर, इनके मौसम कैसा है। इट इज़ कोल्ड टूडे, आज सर्दी है। इट इज़ कूल टूडे, आज मौसम खुशगवार है, अच्छा है, यानी सर्दी वाली फीलिंग नहीं है। It is warm today. आज मौसम गर्म है। देखिए सूरज है निकला हुआ। It is warm today. It is hot today. आज सख्त गर्मी है, ज्यादा गर्मी जो बर्दाश्त ना हो, तो hot. It is hot today. बारिश हो रही है। It is wet today. आज मौसम गीला है। It is raining. बारिश हो रही है। It is dry today. आज मौसम खुशक है, खुश्क है मौसम। इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इट को वेदर की डिफरेंट कंडीशंस के साथ यूज किया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और नीचे दिया हुआ कार्ड फिल करें। नेक्स्ट में हम इसको सीजन्स के साथ ट्राई करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।